वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स में स्टेप 5 पर लेक्चर कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसमें हम सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे कि उसकी रिकग्निशन हमें किस तरह करनी होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन के साथ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम भी हो सकती है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कब ओवर टाइम रिकग्नाइज करना चाहिए और कब एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज करना चाहिए। और ओवर टाइम रिकग्नाइज करने के लिए मेयरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम, तो प्रोग्रेस को कैसे मेयर करेंगे कि कितने परसेंट या कितनी हमें जो है सेटिस्फेक्शन हो गई है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, जिस हिसाब से हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करें। तो इन फोर पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन जाते हैं। तो सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो एक एंटिटी रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेगी, जब एंटिटी सेटिस्फाई करेगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉमिस गुड्स और सर्विस, जो कि एक एसेट होता है, टू अ कस्टमर। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या एसेट होती हैं, तो इस पर आईएफआरएस 15 ये कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर एसेट्स इवन इफ ओनली मोमेंटेरली, यानी चाहे बिल्कुल कुछ वक्त के लिए हों वो एसेट जरूर होती हैं। व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड यूज्ड एज इन द केस ऑफ मैनी सर्विसेज, तो जैसे आप एक रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो खाना आपके पास है तो वो आपका एसेट है थोड़ी देर के लिए, फिर आप जब कंज्यूम कर लेते हैं तो वो एक एसेट खत्म हो जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो चाहे एक बहुत थोड़े वक्त के लिए हों वो एक एसेट के तौर पर ऑपरेट कर रही होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ ट्रांसफरिंग अ प्रोमिस गुड्स और सर्विस, जो कि एक एसेट है, जो कस्टमर को हम जब प्रोमिस गुड्स और सर्विस का एसेट ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट कब ट्रांसफर होता है, जब कस्टमर उसका कंट्रोल ऑब्टेन करता है। अब कंट्रोल ऑफ एसेट से क्या मुराद है, कंट्रोल ऑफ एसेट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट। कंट्रोल इंक्लूड द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर एंटिटीज फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज ऑफ एंड ऑब्टेनिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम एन एसेट। तो बेसिकली एक एसेट पर आपका कंट्रोल तब है अगर आप उसके यूज को डायरेक्ट कर सकते हैं, आप उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं सब्सटेंशियली। और ना सिर्फ ये कि आप उससे बेनिफिट्स ले सकते हो, आप दूसरों को वो बेनिफिट लेने से और उसके यूज को डायरेक्ट करने से रोक भी सकते हो। तो आप बेनिफिट ले सकते हो और दूसरों को रोक सकते हो, तो आपका कंट्रोल है। अगर एक चीज़ ऐसी है जिसका आप भी फायदा उठा सकते हैं, कोई और भी उठा सकता है, तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, फायदा बेशक आपको हो रहा है। लेकिन अगर जैसे चीज़ का आप कॉपीराइट करवा लेते हैं तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, कोई और उसको पब्लिश नहीं कर सकता, तो ये फिर आपका कंट्रोल आ जाता है। अब ये इवेल्यूएट करते हुए कि क्या कस्टमर ने कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया है या नहीं, एक एंटिटी जो है इस बात को भी कंसीडर करेगी कि क्या कोई एग्रीमेंट टू रीपरचेज है। एग्रीमेंट टू रीपरचेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाजू का हम एक चीज़ कस्टमर को दे रहे होते हैं और उसके कुछ अरसे बाद हमने उससे वापस खरीद लेनी होती है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या वाकई कस्टमर के पास कंट्रोल जा रहा है या सिर्फ दिखावे के लिए हम कस्टमर को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर वापस हमारे पास आ जाएगी। क्या वाकई जो है हमें फ़ायदा जो है वो हो रहा होगा या कस्टमर को फायदा हो रहा होगा कंट्रोल के बाद या नहीं हो रहा होगा। समटाइम ऐसा ये होता है कि दिखावे के लिए किसी को एक चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती है और जो उसके फ़ायदे और नुकसान होते हैं वो हमें ही मिल रहे होते हैं और फिर कुछ अरसे बाद हम वो चीज़ वापस परचेज भी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो फिर जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो कस्टमर को अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए तो कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं हुआ और हमें इस सिचुएशन में रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। फिर IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट है इस सिलसिले में रेवेन्यू की रिकग्निशन के सिलसिले में, वो ये है कि फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड, तो एंटिटी को कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन पे यानी कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में ये डिटरमिन करना चाहिए कि क्या ये सेटिस्फाई करती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम या सेटिस्फाई करती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम। तो ये डिफरेंस है जी ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम का। अब हमारे जो नेक्स्ट टू इशूज होंगे वो यही होंगे कि कब हम ये कंसीडर करेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम और कब कंसीडर करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है एट अ पॉइंट इन टाइम। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इस सिचुएशन में बेसिकली एक एंटिटी ट्रांसफर करती है कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ओवर टाइम और इसी वजह से वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी ओवर टाइम कर रही होती है और रेवेन्यू भी फिर ओवर टाइम रिकग्नाइज होता है। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट, हम तीन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे
और फिर फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि एक भी इसमें से क्राइटेरिया मीट हो जाए तो फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का रेवेन्यू जो है वो ओवर टाइम रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है। नंबर वन, द कस्टमर सिमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट प्रोवाइड बाय द एंटिटी परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म, यानी जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही होती है कस्टमर उसी टाइम पर उसका बेनिफिट रिसीव भी कर रहा होता है, यूज भी कर रहा होता है, कंज्यूम भी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रूटीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करना, तो हमने क्लीनिंग की उसी टाइम पर कस्टमर का प्रीमिसेस साफ हुआ। सॉफ्टवेयर डिबगिंग सर्विस, प्रॉब्लम आया हमने ठीक किया उसी टाइम कस्टमर की चीज़ ठीक हुई। टीचिंग या ट्रेनिंग, जिस टाइम पे टीचर या पढ़ा रहा है या एक ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है तो उसी टाइम पर एक स्टूडेंट या जो ट्रेनी है वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है। फिर द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स और इन्हांसेज एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल्स एज द एसेट इज क्रिएटेड और इन्हांस्ड, कि हम जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कस्टमर को उससे जो एसेट क्रिएट हो रहा है, उससे जो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है वो कस्टमर के कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कस्टमर के प्रेमिसेस की इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं या पेंटिंग जो है कर रहे हैं, कि पेंट सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के प्रेमिसेस पर, तो बेसिकली जो वैल्यू बढ़ रही है वो किसके एसेट की बढ़ रही है, कस्टमर के एसेट की बढ़ रही है। जो एसेट क्रिएट हो रहा है इंटीरियर डिजाइन से तो वो किसका एसेट क्रिएट हो रहा है, कस्टमर का एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम कंसीडर होगी। और थर्ड, कि एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी, कि हम जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे ऐसा एसेट क्रिएट नहीं हो रहा जिसका हम कोई और यूज कर सकें, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमने देना तो कस्टमर को ही है और हमारा इन्फोर्सेबल राइट है टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, कि जितना अब तक हम काम कर चुके हैं उतने पैसे हम कस्टमर से ले सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से कि हम एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक कस्टमाइज मशीनरी बना रहे हैं फॉर अ कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली प्रिवेंट द एंटिटी टू डायरेक्ट और ट्रांसफर दिस मशीनरी टू अनदर कस्टमर, वो हम किसी और कस्टमर को नहीं बेच सकते। ऑल्सो द कस्टमर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन, तो कस्टमर का भी राइट नहीं है टर्मिनेट करने का, तो इसका मतलब है कि उसको पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो जब ये कन्फर्म है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो हमारे काम की नहीं है, वो हमने कस्टमर को ही देनी है जितनी भी बनी होगी, और कस्टमर से हमें पैसे लेने का भी इन्फोर्सेबल राइट है, तो फिर हम उसका रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हम जितना काम करते जा रहे हैं फिर उतना रेवेन्यू हमारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल ये कर रहे हैं जिसमें हम कस्टमर का वो सिनेरियो देखेंगे जो सिमल्टेनियसली रिसीव कर रहा होता है और कंज्यूम कर रहा होता है बेनिफिट को। ये हमने IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 13 की बेस पर क्वेश्चन और आंसर डेवलप किया। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर वन ईयर, द प्रॉमिस पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज आर अकाउंटेड फॉर एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। रिक्वायरमेंट ये है कि रेवेन्यू क्या ओवर टाइम रिकॉग्नाइज करना चाहिए या पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज करना। अब यहाँ पर अगर देखें तो ओपिनियन ये बनता है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जो कस्टमर सिमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम कर रहा है, सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है ओवर टाइम, क्योंकि हर पेरोल ट्रांजैक्शन जैसे प्रोसेस हो रही है, यानी यहाँ पे आप देखते हैं कंज्यूम्स द बेनिफिट ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस इन प्रोसेसिंग ईच पेरोल ट्रांजेक्शन एज एंड वेन Each transaction is processed. The fact that another entity would not need to re-perform payroll processing services for the service that the entity has provided to date also demonstrates that the customer simultaneously receives and consumes the benefit of the entity performance as the entity performs. जब हम उनकी payroll processing कर देंगे तो उन्हें किसी और से वो payroll processing नहीं करवानी पड़ेगी। ये इस बात को show करता है कि जिस time पर वो हमसे सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं उसी टाइम पर वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं और बाद में उन्हें उन सर्विसेज की मजीद जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हमने प्रोसेस कर दी वो उनको बेनिफिट मिल गया, उन्होंने वो बेनिफिट कंज्यूम कर लिया और सेम बेनिफिट उन्हें दोबारा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्वेश्चन टू, जब एसेट हैज नो अल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, और ये हमने IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 15 की बेस पर डेवलप किया है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, अ गवर्नमेंट एजेंसी टू बिल्ड अ स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट। अब सैटेलाइट बनानी है गवर्नमेंट की एक एजेंसी के लिए। द एंटिटी बिल्ड सैटेलाइट फॉर वेरियस कस्टमर्स, के हम बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, मुख्तलिफ लेट्स से कंट्रीज के लिए या मुख्तलिफ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए।
such as governments and commercial entities, the design and construction of each satellite differ substantially on the basis of each customer need and the type of technology that is incorporated into the satellite. अब जैसे इलॉन मस्क की आप स्पेस एक्स को ध्यान में रखें तो वो नासा के लिए भी हो सकता है सैटेलाइट बना रहे हों, वो हो सकता है कि किसी और जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी कोई सैटेलाइट्स बना रहे हों. समटाइम ऐसा भी होता है कि इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करता है अमरीका की, नासा की और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की भी. तो ऐसी सिचुएशन में, और फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बाज़ूकत ऐसा करवा सकती हैं जो जिनको कोई काम हो, कि अगर एक जो न्यूज़ चैनल है जैसे गूगल वगैरह, वो चाहते हैं कि उनकी एक सैटेलाइट जो है वेदर को मॉनिटर करने के लिए या उनके गूगल मैप्स को ऑपरेट करने के लिए जाए, और वो जो है स्पेस एक्स से कहते हैं कि आप हमें एक सैटेलाइट जो है वो डिज़ाइन करके और बिल्ड करके दें. तो इस तरह का एक सिनेरियो आप अपने जहन में रखें. तो यानी अब हर कस्टमर की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट है. तो एंटिटी का हम कहते हैं कि इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट भी है, जितना काम कंप्लीट हुआ होगा उसके पैसे वो ले सकते हैं. तो रेवेन्यू क्या ओवर टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए या पॉइंट इन टाइम पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें एंटिटी के पास, तो अब अगर आप एक सैटेलाइट बना लेते हैं तो वो किसी और कस्टमर को तो नहीं दे सकते, उसी को देनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की अपनी कस्टमाइज नीड है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, नीड्स डिफरेंट है, जो पूरा डिज़ाइन है वो उसी कस्टमर के मुताबिक स्पेसिफिक बना हुआ है, तो किसी और को तो आप दे नहीं सकते. और इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट भी है, तो जो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो ओवर टाइम करना चाहिए. बट इसको डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं कि ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रिक्लूड द एंटिटी, अब कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी और को नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप किसी और को बेचना चाहेंगे तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, पूरा डिज़ाइन रिवर्क करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ सेटेलाइट चेंज करना पड़ेगा ताकि आप किसी और कस्टमर को बेच सकें. तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो एसेट का कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है जो कस्टमर स्पेसिफिक डिज़ाइन के हिसाब से बन रही है. एंटिटी की प्रैक्टिकल एबिलिटी जो है वो लिमिट हो रही है कि वो डायरेक्ट कर सके सैटेलाइट टू अनदर कस्टमर. इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट भी है, तो रेवेन्यू जो है वो ओवर टाइम रिकॉग्नाइज होना चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम. तो अब इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किन सिचुएशन में, तीन हमने सिचुएशन पढ़ी कि जब हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए ओवर टाइम, जब वो सिमल्टेनियस रिसीट एंड कंजम्पशन हो सर्विस की, या फिर हम कहते हैं कि एंटिटी के पास अल्टरनेट यूज ना हो, या फिर ऐसा हो कि एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रही हो जो कस्टमर के कंट्रोल में है, और जो इन्हांस हो रहा है वो कस्टमर के कंट्रोल में चीज़ है जो इन्हांस हो रही है. इन तीन क्राइटेरिया की सूरत में हम ओवर टाइम रिकग्नाइज करते हैं. और जब एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो ऑटोमेटिकली पॉइंट इन टाइम पर सेटिस्फाइड कंसीडर होगी. अब वो पॉइंट इन टाइम होगा कौन सा, क्योंकि पॉइंट इन टाइम का मतलब है एक खास दिन पर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे, मे बी 15th मार्च, मे बी 20th मार्च, मे बी 15th मे, मे बी 4 जुलाई. तो टू डिटरमिन द पॉइंट इन टाइम एट विच कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ अ प्रोमिस्ड एसेट एंड द एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, द एंटिटी शैल कंसीडर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंट्रोल, जो हमने अर्लियर डिस्कस की थी कि कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा हो. कंट्रोल का मतलब क्या है कि कस्टमर उसको डायरेक्ट कर सकता है यूज़ को, उसके बेनिफिट ले सकता है, और दूसरों को उसके बेनिफिट हासिल करने से और यूज़ डायरेक्ट करने से रोक सकता है. एडिशनली कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के हैं, उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए. अब याद रखें कि ये इंडिकेटर्स हैं, ये जो हैं ऐसी चीज़ नहीं है कि बस यही फैक्टर्स हैं, ये पूरे हो रहे होंगे, इनमें से कोई पूरा हो रहा होगा तो आप देखेंगे. ये इंडिकेटर्स हैं, इन सारे इंडिकेटर्स को देखें और जजमेंट की बेस पर डिसाइड करें कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा. तो ये इंडिकेटर्स हैं विच इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी इनके अलावा भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप 5 इंडिकेटर्स हैं वो स्टैंडर्ड में मेंशन है और वो ब्रीफली हम आपके साथ डिस्कस करें. यानी एंटिटी का अगर प्रेजेंट राइट टू पेमेंट हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि अब हमारा पेमेंट का राइट बन गया है, कि अब हम पैसे कस्टमर से ले सकते हैं, हमारा राइट है, तो हम ये समझते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए. लेकिन फिर आप ध्यान में रखें कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है. तो समटाइम्स तो लीगल टाइटल जब ट्रांसफर हो रहा होता है तो हम कहते हैं तभी वो पॉइंट है जब कस्टमर का अब रिस्क हो गया, कस्टमर का राइट बन गया, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता. तो लीगल टाइटल पे एक्सक्लूसिवली फोकस नहीं करना, बाकी फैक्टर्स को भी देखना है. फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो जाए, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप
जो है वो कस्टमर को ट्रांसफर हो जाए। इन सारे इंडिकेटर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये है, क्योंकि ये कंट्रोल की प्रिसाइज डेफिनेशन के साथ भी लिंक करता है कि ऑनरशिप के रिस्क एंड रिवार्ड जो होते हैं वो यही होते हैं कि आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, आप उसका यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल की डेफिनेशन काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो इससे है, और कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट। लेकिन वंस अगेन वो बात है कि जी कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट, लेकिन बाज़ अवकात ऐसी टर्म्स भी होती हैं कि कस्टमर एसेट एक्सेप्ट कर चुका है फिर भी आप उसको कुछ टाइम दे रहे होते हैं जिसमें वो रिटर्न कर सकता है। तो इन दैट केस कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द एसेट, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि स्टिल आपके पास चीज़ वापस आ सकती है। तो तमाम इंडिकेटर्स को कंसीडर करें और उसके बाद जजमेंट फॉर्म करें और उस बेसिस पर देखेंगे किस पॉइंट इन टाइम पर आपको रेवेन्यू रेकग्नाइज करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ओवर टाइम। तो इस सिचुएशन में हमने ये देखना है कि हमें जब ओवर टाइम रेवेन्यू रेकग्नाइज करना है तो कितना करना है, क्या मंथ वाइज करना चाहिए, क्या परसेंटेज कंप्लीशन लेनी चाहिए, फिर परसेंटेज कंप्लीशन कैसे लेनी चाहिए। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ टीचिंग और स्टडी से रिलेटेड। तो लेट्स से कि हम एक कोर्स एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है स्टूडेंट को और वो परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक तरीक़ेकार ये है कि हम कहते हैं कि जी हमारा कोर्स जो है वो 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, ईयर एंड जून में होता है। तो आउट ऑफ 4 मंथ्स 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम कहेंगे 3/4 75% कोर्स कंप्लीट है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हम देखें कि हाँ जून एंड तक हमने जो है 80 आवर्स पढ़ा लिया है, आउट ऑफ 100 आवर्स जो टोटल पढ़ाने थे तो हमारा जो कोर्स है वो 80% कंप्लीट है। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि हम टीचर से पूछते हैं कि जो टॉपिक्स हैं आपके पास उस पर आप जो है ना बताएं कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया। तो टीचर ये देखते हुए कि कम्प्लेक्सिटी किस चीज़ की ज़्यादा थी किसकी कम थी उस बेसिस पे लेट से कि वो एक ओपिनियन देते हैं कि जी हमारा कोर्स 78% कंप्लीट है। सो डिफरेंट वेज यूज हो सकते हैं, इसलिए इस माइंडसेट के साथ के जो है ना ओपन माइंडेड आपने रखना है सिचुएशन को कि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट वेज के अंदर हम मेजर कर रहे होंगे प्रोग्रेस को कि परसेंटेज कंप्लीशन कितनी है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं IFRS 15 की वो ये हैं कि फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही हो, तो पहला काम तो ये करना है कि एंटिटी ने उसकी प्रोग्रेस को मेजर करना है। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम बाय मेजरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी काम कितना कंप्लीट हुआ। फिर जो भी प्रोग्रेस के लिए मेथड है वो एक सिंगल मेथड यूज करना है। ये नहीं कि आपका एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले साल कोई और मेथड, दूसरे साल कोई और मेथड, तीसरे साल कोई और मेथड। फिर जो भी मेथड है वो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। सिमिलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी, यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और तीन एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं तो तीनों पे फिर सेम आपकी जो है मेथड होने चाहिए। ये नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट पर अलग ही मेथड चला रहे हूँ। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिमिलर हैं तो उन पर जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिर आप रीमेजर करेंगे प्रोग्रेस को एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, भाई जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है तो पहले साल के एंड तक हमारा काम कंप्लीट हुआ था 35%, दूसरे साल के एंड तक हमारा काम कंप्लीट हुआ 68%, तीसरे साल के एंड तक हमारा जो है ना काम कंप्लीट हुआ लेट्स से 85%, चौथे साल तक 95% और फिफ्थ ईयर में जाकर 100% हो रहा है। तो हम हर साल पे मेजर करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर साल इक्वल कंप्लीट हो रहा हो काम, कभी काम ज़्यादा हो पाता है कभी काम कम हो पाता है। तो और बाद का टाइम की बेसिस पर भी किया जा सकता है, तो देखना पड़ेगा कि टाइम बेसिस सूटेबल है या नहीं है। अब जो मेथड्स प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो दो कैटेगरीज उसकी मेन डिफाइन की जाती हैं। एक आउटपुट मेथड्स कहलाते हैं, यानी हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, यूनिट कितने डिलीवर किए, कॉन्ट्रैक्ट के माइलस्टोन्स के ये phase 1 phase 2 कंप्लीट है, या वर्क का सर्वे करवाना। बाद अवकात ये होता है कि आप सिंपली जो है ना एक सिविल इंजीनियर हायर करते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो बताता है कि 60% 70% 80% कितनी कंप्लीट है। इनपुट मेथड यूज़ हो सकते हैं जो एंटिटी की इंटरनल सोर्स से फिर हमें पता चल जाता है कि कॉस्ट कितनी इनकर की है, टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर करें। हम कहते हैं जी कॉस्ट इनकर की है 6 मिलियन की, टोटल कॉस्ट लगनी है 10 मिलियन की, तो 60% काम कंप्लीट है। लेबर आवर्स कितने एक्सपेंडेड है, हम कहते हैं कि जी इस काम को करने पे 5000 आवर्स लगने थे, हमारे 4000 आवर्स लग गए हैं, तो 80% काम कंप्लीट है। मशीन आवर्स वर्क पे इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मैथड आउटपुट मैथड और इनपुट मैथड में हो सकते हैं। फर्दर स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि क्या रीजनेबल मेजर ऑफ प्रोग्रेस है, यानी आप क्या प्रोग्रेस जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उसे रिलायबली मेजर कर सकते हैं।
अगर कर सकते हैं तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उसके मुताबिक। और अगर आप समझते हैं कि लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन की वजह से रीजनेबल मेजर ऑफ प्रोग्रेस अवेलेबल नहीं है, रिलायबल आप मेजरमेंट नहीं कर सकते जितना काम कंप्लीट हो चुका है, यानी यू कांट नो कि जी काम 10% कंप्लीट है या 15%। अक्सर जब कॉन्ट्रैक्ट नया नया थोड़ा सा शुरू हुआ होता है तो इनिशियल स्टेज पर बाजू का डाटा अवेलेबल नहीं होता जिसकी बेस पर हम देख सकें कि टोटल कितना काम होगा और जो है कितना काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। बट साथ ही इस बात का ख्याल रखना है कि अगर एक एंटिटी रीजनेबली मैयर नहीं कर सकती आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आउटकम से मुराद क्या है, प्रॉफिट और लॉस, यानी हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी इतना इनिशियल स्टेज पर है कि हम ये नहीं बता सकते कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्योंकि हम कहते हैं कि कॉस्ट का भी अंदाज़ा नहीं है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेंगी, रेवेन्यू तो हमें पता है जी 75 मिलियन है लेकिन कॉस्ट पता नहीं कितनी लग जाएंगी। तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड अंटिल इट कैन रीजनेबली मेजर द आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो जब तक आप रीजनेबल मेजरमेंट नहीं कर पाते तब तक आप उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें जितनी आपने कॉस्ट इनकर किया। अब जब रेवेन्यू भी उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितनी कॉस्ट इनकर की है तो इसका मतलब है ना आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना आप लॉस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जब आप ये अभी जानते ही नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो ना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए ना लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इससे आगे इस पर एक एग्जाम्पल की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन 3, ये IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 18 की बेस पर हमने क्वेश्चन डेवलप किया हुआ है कि एन एंटिटी जो कि ओनर एंड मैनेजर ऑफ हेल्थ क्लब्स हैं, जैसे जिम सेंटर्स होते हैं, फिटनेस सेंटर्स होते हैं, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर 1 ईयर ऑफ एक्सेस टू एनी ऑफ इट्स हेल्थ क्लब। यानी एक कस्टमर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी किसी भी मुख्तलिफ जो हमारी ब्रांचेज हैं उनमें से वो किसी भी क्लब को की एक्सेस ले सकते हैं। कस्टमर हैज़ अनलिमिटेड यूज़ ऑफ द हेल्थ क्लब एंड प्रोमिसज टू पे 15,000 पर मंथ। भाई वो जितना मर्जी जिम करना चाहें, फिटनेस के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं करना चाहें करें, और वो 15,000 पर मंथ हमें पे करेंगे, एनुअली 180,000 बनेंगे पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रिक्वायरमेंट ये है कि इससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है और एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये उस रेवेन्यू को कैसे रिकग्नाइज करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम रिकग्नाइज होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर सिमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है बेनिफिट को, और कंसिक्वेंटली एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो ओवर टाइम रिकग्नाइज हो रही है। कस्टमर जो बेनिफिट कर रहा है एंटिटी की सर्विस ऑफ मेकिंग द हेल्थ क्लब्स अवेलेबल। अच्छा अक्सर तो यही होता है कि जिम या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप ले ली जाती है लेकिन उसको उतना यूज नहीं किया जाता। तो भाई 30 डेज हैं या लेट्स से संडे उसमें से माइनस कर दें 26 डेज हैं, तो कोई शख्स 20 डेज जा रहा है, कोई 10 डेज जा रहा है, कोई 5 डेज जा रहा है। तो लेकिन जो एंटिटी की ही सर्विस है वो है टू ऑफ मेकिंग द हेल्थ क्लब अवेलेबल, वो उसके चार्जेस ले रहे हैं कि हमारी तरफ से सर्विस अवेलेबल है आप यूज करें या ना करें, तो वो कस्टमर का इशू है। तो दैट इज द कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम हैविंग द हेल्थ क्लब अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कस्टमर यूजेज इट और नॉट। तो कस्टमर यूज की बेसिस पर पैसे नहीं दे रहा, अवेलेबिलिटी की बेस पर पैसे दे रहा है कि हेल्थ क्लब अवेलेबल होगा उसके लिए। कंसिक्वेंटली जो बेस्ट मेजर ऑफ प्रोग्रेस है ऐसे सिचुएशन में वो टाइम बेस्ड मेजर बनता है, यानी मंथली आप 15,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो जब आप हर टाइम पीरियड में इक्वल अमाउंट का एक्सपेंस या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन बेसिस कहलाता है। यानी इक्वल अमाउंट अगर हर पीरियड में आ रही होगी तो वो स्ट्रेट लाइन बेसिस है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बेसिस सूटेबल नहीं होती, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको इस हिसाब से पैसे मिलने हैं जिस हिसाब से काम कंप्लीट होता जाएगा तो वहां पर स्ट्रेट लाइन बेसिस सूटेबल नहीं है। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि काम की कंप्लीशन कितनी हुई है, काम 60% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है। वो आप कॉस्ट बेसिस पर भी ले सकते हैं, वो आप सर्वे की बेसिस पर भी ले सकते हैं, तो वो उसके डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं। तो ये प्रोग्रेस जो है मेजर करने के बारे में हमारे यहाँ एक क्वेश्चन था। तो इस पूरे जो वीडियो थी उसमें बेसिकली हमने मेन फोकस ये था कि सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करनी है, तो किन सिचुएशन में हमें ओवर टाइम करनी चाहिए, किन सिचुएशन में हमें एट पॉइंट इन टाइम करनी चाहिए, और फिर उससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 17 की बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल 17 लिमिटेड है। तो बेसिकली ये जो डाटा लिया गया है ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 17 से लिया गया है, लेकिन इसको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म जो है वो हमने खुद दी है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स।
जैसे एक आप पूरा प्लाजा बना रहे हैं और उसमें डिफरेंट फ्लैट्स जो हैं वो आप लोगों को देंगे। अ कस्टमर एंटर्स इनटू अ बिल्ड बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटिटी फॉर अ स्पेसिफाइड यूनिट, यानी एक स्पेसिफिक फ्लैट या यूनिट के लिए कि जी वो फ्लैट नंबर या अपार्टमेंट नंबर 5 लेगा। दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ईच यूनिट हैज अ सिमिलर फ्लोर प्लान एंड इज ऑफ अ सिमिलर साइज, बट अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द यूनिट्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन है, कॉर्नर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकेंड फ्लोर पर है, ये फर्क है। द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन इज 1 जनवरी 2018, यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 1 जनवरी 2018 की डेट है। प्राइस ऑफ वन यूनिट इज 3 मिलियन। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पोजेशन ट्रांसफर इज 31 दिसंबर 2019। तो 2 साल के बाद, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019, 2 ईयर्स के बाद जो है ना कंप्लीशन और पोजेशन ट्रांसफर होगी। एंटिटीज ईयर एंड इज दिसंबर 31। कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट बाय 31 दिसंबर 2018, यानी जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ है तो 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट थी। नोट यहाँ पर ये यह है कि इग्नोर फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड इग्नोर अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम तब अकाउंट फॉर करते हैं जब हमने बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करके प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने पर है। साथ आप कॉस्ट भी जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनेंसिंग कंपोनेंट यहाँ पर इस जो है एग्जाम्पल को ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। अदरवाइज फाइनेंसिंग कंपोनेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इंटरेस्ट का एलिमेंट आपको एडिशनल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि हमने बाकी काफ़ी एग्जाम्पल्स के अंदर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें सिचुएशन ए देखते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बाद। सिचुएशन ए ये है कि कस्टमर पेज अ 10% डिपॉजिट ऑन 1 जनवरी 2018, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन डेट है। रिफंडेबल ओनली इफ द एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, यानी अगर तो हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें ये पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते फिर हमें कस्टमर को ये 10% डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स फिजिकल पोजेशन ऑफ द यूनिट, यानी 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो तब ये होगा कि हमें रिमेनिंग प्राइस। अब रिमेनिंग प्राइस का मतलब है 90%, 3 मिलियन की टोटल अमाउंट है, 10% का डिपॉजिट है तो 90% बाकी 2.7 मिलियन 27 लाख रुपए बनेंगे, तो वो आपको कंप्लीशन पर मिलेंगे। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट द एंटिटी ओनली हैव द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। अब अगर कस्टमर किसी टाइम पे डिफॉल्ट करता है और वो कहता है कि जी मैं तो ये यूनिट अब नहीं लूंगा, चाहे आप कंप्लीट कर ही क्यों नहीं देते, तो फिर आप उसका डिपॉजिट रिटेन कर सकते हैं, यानी वो फिर वापस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी पैसे उससे क्लेम नहीं कर सकेंगे, यानी 3 लाख रुपए आपके हो जाएंगे लेकिन बाकी 27 लाख पे क्लेम नहीं है। हाँ, एडवांटेज आपके पास ये है कि फिर आपका यूनिट आपके पास है, आप किसी और को सेल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है कि जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, अगर यूनिट कंप्लीट हो जाए और पोजेशन ट्रांसफर हो जाए ड्यू डेट पे, अगर एंटिटी जो है वो एलोकेट कर दे यूनिट को अनदर कस्टमर को ऑन 1 मार्च 2018, तो फिर एंटिटी को जाहिर बात है कस्टमर के पैसे वापस करने पड़ेंगे। एंटिटी कंप्लीट द यूनिट बट कस्टमर डिफॉल्ट, के हमने काम कंप्लीट कर लिया लेकिन कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर हमें किसी और को सेल करना पड़ेगा। द एंटिटी प्लान्स टू सेल यूनिट टू अनदर कस्टमर। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर, सिचुएशन ए एंड बी। तो हम पहले सिचुएशन ए पर फोकस कर रहे हैं और सिचुएशन ए को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 10% डिपॉजिट हमें 1 जनवरी 2018 को मिला है, इसकी अकाउंटिंग करेंगे और इनिशियली ये देखेंगे कि क्या हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए या एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस सिचुएशन ए की बेस पर हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर ऑफ सिचुएशन ए जब हम डेवलप करेंगे तो पहली बात हम ये देखते हैं कि एंटिटी का इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी, हमारा राइट सिर्फ डिपॉजिट के पैसों तक है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो द एंटिटी डज नॉट हैव एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, बिकॉज अंटिल कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट इज कंप्लीट द एंटिटी ओनली हैज़ अ राइट टू द डिपॉजिट पेड बाय द कस्टमर। अब क्योंकि हमारा राइट टू पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाइड कंसीडर नहीं होगी, नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो फिर जब ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि हमें पॉइंट इन टाइम पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा कस्टमर को ऑन 31 दिसंबर 2019। तो इस हिसाब से जब हमें डिपॉजिट मिल रहा है तो उस पर
हमें एंट्री पास करनी होगी एक, तो जर्नल एंट्रीज के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। 1 जनवरी 2018 को हमें 10% जब डिपॉजिट मिला तो बैंक डेबिट 10% अमाउंट 300,000 बनती है, 3 मिलियन का, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे 3 मिलियन। सो बेसिकली हमने ये 10% डिपॉजिट जो था ये रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें सिचुएशंस आगे देखनी है कि पहली सिचुएशन कि अगर यूनिट कंप्लीट हो जाता है और पोजेशन ट्रांसफर हो जाती है ड्यू डेट पे यानी 31 दिसंबर 2019 पे, तो फिर हमारी एंट्री क्या होगी। अब हमने 60% जो काम कंप्लीट है उसको फिलहाल इग्नोर कर देना क्योंकि हम ओवर टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर ही नहीं रहे, हम तभी रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे जब काम कंप्लीट होगा। तो सिचुएशन वन में अगर यूनिट कंप्लीट होता है, पोजेशन ट्रांसफर होती है प्रॉपर ड्यू डेट पर, तो क्या होगा। इन दैट केस हम पार्ट ए के वन पार्ट सब पार्ट वन की बात कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2019 पर कस्टमर की तरफ से हमें बाकी 2.7 मिलियन मिल जाएंगे। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 300,000 की रिकॉर्ड की हुई थी वो भी एडजस्ट हो जाएगी और हम पूरा 3 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है कि हमने पहले कुछ पैसे लिए हुए थे, तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडवांस रिकॉर्ड किया हुआ था, बाद में हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, पैसे मिल गए और जो प्रीवियस लायबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। अब इसके पार्ट टू की तरफ चलते हैं। द एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट टू अनदर कस्टमर ऑन 1 मार्च 2018, यानी अगर हम अपनी ऑब्लिगेशन में फेल हो जाते हैं तो फिर जाहिर बात है हमें कस्टमर को उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो इन दिस सिचुएशन हमारा पार्ट ए का सब पार्ट टू अप्लाई होगा। 1 मार्च 2018 को हमने वो यूनिट किसी और को एलोकेट कर दिया, तो इस कस्टमर के पैसे वापस करने पड़ेंगे, पैसे वापस करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हम ख़त्म कर देंगे। तो इन शॉर्ट हमने जो ये फर्स्ट एंट्री पास की थी कि जो पैसे रिसीव किए थे उनकी जब वापसी करनी पड़ी तो उसी एंट्री को हमने सिंपली रिवर्स कर दिया। अब इसका सब पार्ट थ्री देखते हैं। द एंटिटी कंप्लीट्स द यूनिट बट कस्टमर डिफॉल्ट्स। अब अगर हमने काम कंप्लीट कर लिया और कस्टमर डिफॉल्ट कर लेता है तो हम डिपॉजिट रिटेन कर सकते हैं, यानी फिर 300,000 हमारे हो गए और हमें कस्टमर को कोई पैसे वापस नहीं करने और जो यूनिट है वो हम किसी और को सेल करेंगे। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी। थर्ड सिचुएशन में हमारी जो डिपॉजिट से रिलेटेड अमाउंट है 300,000 की, जो हमने पहले लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड की हुई है, उसे अब हम इनकम बना लेंगे और ये लायबिलिटी अब ख़त्म कर देंगे क्योंकि कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है। तो अब ये हमारी लायबिलिटी नहीं रही और अब हमारी रेवेन्यू बन गया। अब हमें 300,000 जो है उसे वापस नहीं करने, ये हमारे हो गए तो हम इसे रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सिचुएशन ए में डिफरेंट सिनेरियोज हमने डिस्कस किए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली परफॉर्म होता है, अगर हम डिफॉल्ट करते हैं और हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है और हम जो डिपॉजिट है उसको फिर रिटेन करने का राइट हमारे पास आ जाता है, तो क्या सिचुएशंस अराइज होंगी। तो डिफरेंट सिनेरियोस थे और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी सिचुएशन ए में वो ये थी कि हमारा रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पर रिकॉर्ड हो रहा था। अब सिचुएशन बी की तरफ चलते हैं। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमने इनिशियली डिस्कस की थी वो सेम रहेगी और उसके बाद हम सिचुएशन बी वाली बातों को लेंगे, अब सिचुएशन ए वाले पॉइंट्स को नहीं लेंगे। कस्टमर पेज अ 10% वही 3 लाख रुपए बनेंगे 300,000 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑन 1 जनवरी 2018। कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350,000 यानी जो 45% ऑफ अमाउंट बनती है ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 2019 ईच। तो बेसिकली 10% शुरू में, फिर 45%, फिर 45%, तो पूरे 100% हो जाएंगे। तो कस्टमर इस तरीके से हमें पेमेंट कर रहा होगा। द कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सटेंटिव टर्म्स दैट प्रिक्लूड द एंटिटी, यानी जो एंटिटी को प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर, के फिर आप ये यूनिट किसी और कस्टमर को एलोकेट नहीं कर सकते।
इन एडिशन द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म एज प्रॉमिस। तो हम अगर कंस्ट्रक्शन ना कर सकें तो फिर एक अलग बात है, अदरवाइज कस्टमर को पैसे देने ही देने हैं, वो यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो दोनों पार्टीज की सिचुएशन ऐसी है कि हम भी इस कस्टमर के अलावा किसी और को एलोकेट नहीं कर सकते और ये कस्टमर भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज एज द यूनिट इज कंप्लीटेड एंड पोजेशन इज ट्रांसफर्ड ऑन ड्यू डेट, कि इन टर्म्स को देखते हुए अगर सब कुछ जो है प्रॉपर ड्यू डेट के हिसाब से हो जाए तो हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। दो सिचुएशन हैं, पहले पहली सिचुएशन को देखते हैं। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन बाय फेलिंग टू मेक द प्रॉमिस्ड प्रोग्रेस पेमेंट्स एज एंड व्हेन दे आर ड्यू द एंटिटी वुड हैव अ राइट टू ऑल ऑफ द कंसीडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट। कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट्स एंड एंटाइटल्ड डेवलपर्स टू रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म सब्जेक्ट टू द एंटिटी मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी और कस्टमर ने कोई पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो हम कस्टमर पर केस करके पूरे पैसे रिकवर कर सकते हैं, यानी हमारा राइट होगा कि इन्फोर्सेबल राइट होगा कि हम सारी की सारी कंसीडरेशन पूरे 3 मिलियन कस्टमर से निकलवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना काम हम कंप्लीट कर रहे हैं उतने के पैसे लेने का हमारा राइट बनता जा रहा है। सो इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं इसका, इन द इवेंट ऑफ अ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है इधर द एंटिटी कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम फिर उसे हमारे पास ये राइट इन्फोर्सेबल राइट है कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे पैसे दो, और द एंटिटी कैन कैंसल। The contract in exchange for the asset under construction and an entitlement to a penalty of a proportion of the contract price. यानी जितना contract complete हो चुका होगा उतने हम पैसे ले सकेंगे और हम cancel भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक option आ गया कि हम cancel कर सकते हैं, लेकिन point वही है कि हमारे पास अगर ये option है कि हम cancel कर सकते हैं तो हमारे पास ये option भी है कि हम enforce कर सकते हैं। तो वंस अगेन, क्योंकि जितना काम कंप्लीट हुआ होगा उसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं, तो यहां पे भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम रिकॉग्नाइज होगी। तो सिचुएशन बी की तीनों जो मेन पॉइंट्स हैं और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट में दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, दोनों को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं आंसर के साथ। तो आंसर ऑफ सिचुएशन बी में, बी का जो वन सब पार्ट वन है उसमें अगर हम देखते हैं तो द एसेट जो हम अपार्टमेंट बना रहे हैं क्रिएटेड बाय द एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट हैव एन अल्टरनेटिव यूज द एंटिटी, भाई हम खुद तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट प्रिक्लूड्स द एंटिटी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द स्पेसिफाइड यूनिट टू अनदर कस्टमर, आप किसी और को दे नहीं सकते, आपको उसी कस्टमर को देना है। अच्छा, फर्दर अगर हम बात देखते हैं तो इन दिस सिनेरियो द एंटिटी आल्सो हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, यानी जितना काम कंप्लीट हुआ होगा उसकी पेमेंट ले सकते हैं। ये इस वजह से कि कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है अपनी ऑब्लिगेशन पे तो एंटिटी के पास इन्फोर्सेबल राइट है, और हम कह रहे हैं कि जी कोर्ट्स में भी इसी तरीके से हो रहा है कि हमें पैसे मिल जाते हैं। देयरफॉर हम जो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, वो सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। तो ये जो ओवर टाइम के हमने तीन क्राइटेरियाज देखे थे उसमें जो सी पॉइंट है ये वो अप्लाई होता है यहाँ पर। अच्छा, अब इस पर आते हैं और सिचुएशन टू सब पार्ट टू जो है सिचुएशन बी का उसको देखते हैं। तो अब एंटिटी के पास कैंसिल करने का राइट है, लेकिन कैंसिल करने का ऑप्शन है, इट डजेंट मीन के पेमेंट रिक्वायर करने का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। तो दो डिफरेंट ऑप्शन होने से ऑप्शन आपके ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर दैट रीजन नॉट विस्टैंडिंग दैट द एंटिटी कुड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, बिकॉज एंटिटी हो सकता है कैंसिल ना करे और इन्फोर्स करवा ले। इस वजह से यहाँ पर भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो हमारी ओवर टाइम रिकॉग्नाइज होगी, विच मीन्स के चाहे सिचुएशन वन हो या टू हो, सिचुएशन बी के अंदर सब सिचुएशन वन और टू दोनों में से कोई सी भी हो तो हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम होगी। क्योंकि दोनों में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम ही सेटिस्फाई हो रही है और बाकी अमाउंट्स वगैरह भी सेम है, तो इन दैट सिचुएशन यानी हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट नहीं होंगी, दोनों सिनेरियोज की जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम होंगी। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं।
तो सबसे पहले जब हमें 10% नॉन रिफंडेबल अमाउंट मिली, ऑल दो ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है लेकिन हम इसे अभी रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो कोई काम अभी तक नहीं किया, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट। उसके बाद हमें फर्स्ट ईयर एंड पर 1350,000 की अमाउंट रिसीव होगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट है तो हम रेवेन्यू का 60% रिकग्नाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन दैट 31 दिसंबर 2018 को हम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 3 मिलियन का 60% होगा, दैट वुड बी 1.8 मिलियन, 18 लाख टोटल। इसमें से जाहिर बात है कि हमारी 300,000 की जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो एडजस्ट हो जाएगी, 1350,000 कस्टमर हमें अब पे कर रहा होगा 45% अमाउंट जो है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है 150,000 की वो एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर लेंगे। हम यहाँ पे रिसीवेबल इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि रिसीवेबल तब रिकॉर्ड किया जाता है जब हमारा अनकंडीशनल राइट टू पेमेंट हो, तो हमारा अनकंडीशनल राइट टू पेमेंट नहीं है, हमारा राइट टू पेमेंट तभी राइज होगा बाकी पेमेंट का जब हमने काम कंप्लीट किया होगा, और अगर हमने काम कंप्लीट नहीं किया होगा तो फिर हमारा अनकंडीशनल राइट उस पर क्रिएट नहीं हो रहा। तो फॉर दैट रीज़न जो है क्योंकि ये कंडीशनल राइट है कि हम काम कर चुके हैं तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पे रिकग्नाइज करेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि मज़ीद आपको 2019 में भी 1350,000 रिसीव होंगे, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले 60% कम्प्लीट था तो सेकेंड ईयर में जो उस पर काम हुआ होगा वो 40% काम हुआ होगा तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सो ऑन 31 दिसंबर 2019 अगर हम बात करते हैं तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 1.2 मिलियन का जो कि 40% अमाउंट है 3 मिलियन की, हमारा जो बैंक्स के थ्रू हमें कस्टमर से पैसे रिसीव होंगे वो 1.35 मिलियन है, 13,50,000 रिमेनिंग 45% अमाउंट, और यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है वो एडजस्ट हो जाएगा 150,000 से, तो यहाँ पर 150,000 से डेबिट हुआ था, यहाँ पर 150,000 से क्रेडिट हुआ, उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिल गए, तो अब हमारा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म भी हो गया और उसका हमने टोटल रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू जो है वो 1.8 मिलियन रिकॉर्ड किया, सेकेंड ईयर में हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 1.2 मिलियन। सो इस क्वेश्चन की जो बेसिकली इंपॉर्टेंस थी वो ये थी के पार्ट सिचुएशन ए में जितने भी सिनेरियोस थे वो हम कवर कर रहे थे जहाँ पे पॉइंट इन टाइम पर रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए, और सिचुएशन बी में वो मैटर्स थे जहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। तो सेम जो है नेचर ऑफ बिजनेस है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनके चेंज होने के साथ आपकी रेवेन्यू रिकग्निशन पे फर्क पड़ सकता है कि हो सकता है आप जो रेवेन्यू है वो पॉइंट इन टाइम पर रिकग्नाइज कर रहे हों या ओवर टाइम रिकग्नाइज कर रहे हों, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उनको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए ताकि हम प्रॉपर रेवेन्यू रिकग्निशन कर सकें। वेलकम टू ABC कैंपस, आज हम IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 49 की बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका टाइटल है डिस्काउंट वाउचर्स, इसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का डाटा है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹100 ऑन 1 जनवरी 2009। एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी गिव्स द कस्टमर अ 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेजेस अप टू ₹100 इन द नेक्स्ट 30 डेज। द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग द सेल एज पार्ट ऑफ अ सीजनल प्रमोशन। द 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज इन एडिशन टू द 40% डिस्काउंट वाउचर। तो प्रैक्टिकली कोई भी शख्स जो डिस्काउंट वाउचर होल्ड कर रहा होगा उसे 40% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा होगा, उसको 30% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा होगा क्योंकि 10% डिस्काउंट तो आप वैसे ही सबको दे रहे होंगे। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 80% लाइकलीहुड दैट अ कस्टमर विल रिडीम द वाउचर एंड दैट द कस्टमर विल ऑन एवरेज परचेज ₹50 ऑफ एडिशनल।
तो बेसिकली अप टू ₹100 है। कोई कस्टमर ₹20 की बाइंग करेगा, कोई 50 की करेगा, कोई 80 की करेगा, कोई 100 करेगा, तो एवरेज जो है वो 50 है। 80% कस्टमर जो है वो लाइकलीहुड है, चांस है कि वो रिडीम करेंगे वाउचर को, और वाउचर पे जो हमें डिस्काउंट एक्चुअली देना पड़ रहा है वो 40%, 10% तो वैसे ही सबको मिल रहा है, तो 30% एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ रहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ ₹100 फॉर अबव कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट व्हेन ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रेकग्नाइज। सो यहाँ पर हम जो है स्टेप 4 और स्टेप 5 की बात कर रहे होंगे, एलोकेशन कैसे करनी है ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 100 की, और उसके बाद उसकी जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन कब होगी, क्योंकि रिकग्निशन का बेसिकली मतलब यही है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो रही होगी। सो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करते हैं, और आंसर में सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा एडिशनल डिस्काउंट क्या है। 40% डिस्काउंट वाउचर पे दे रहे हैं और 10% सबको दे रहे हैं, तो बेसिकली जो डिस्काउंट वाउचर की बेस पर दिया जा रहा है वो एडिशनल 30% की अमाउंट है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। फिर हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें ये पता है कि 80% लाइकलीहुड है कि वाउचर डिस्काउंट वाउचर रिडीम होगा, और एवरेज ₹50 की प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्काउंट वाउचर के कॉन्टेक्स्ट में सेल हो रही होंगी। सो ₹50 पे 30% अगर कोई डिस्काउंट है और 80% लाइकलीहुड है कि ये डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम ये समझते हैं कि 100 के अगेंस्ट हमें जो वाउचर है वो ₹12 का उसके अगेंस्ट डिस्काउंट देना पड़ रहा होगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम एलोकेशन अप कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ले लेंगे, और फिर एलोकेटेड प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके लिए हमें कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो हमारे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो हम प्रोडक्ट ए दे रहे हैं, दूसरा हम डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं, और एक कॉलम हम टोटल का बना लेते हैं। स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए की जो है वो 100 है, जैसे क्वेश्चन में बताई हुई है, और अभी हमने डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू कैलकुलेट की है 12, तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लें। टोटल हमारे पास बन जाता है 112, जो टोटल प्राइस हमें मिल रही है दैट इज 100, तो इसकी एलोकेशन हमने करनी है, तो 100 डिवाइड बाय 112 इनटू एलोकेटेड प्राइस ऑफ 100, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 89। इसी तरह 12 डिवाइड बाय 112 इनटू एलोकेटेड प्राइस ऑफ 100, तो हमारे पास एलोकेटेड प्राइस आ जाएगी 11। तो क्वेश्चन में एक तो हमसे ये एलोकेशन मांगी हुई थी और दूसरे नंबर पे रिकग्निशन मांगी हुई है, तो रिकग्निशन भी हम लिख देते हैं। प्रोडक्ट ए जो है वो तो आप ऑलरेडी 1 जनवरी को दे चुके हैं, सो इसकी रिकग्निशन होगी जब कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है ऑन 1 जनवरी। उसके बाद जो डिस्काउंट वाउचर है उसकी जो टर्म है वो 30 डेज है, 30 डेज से पहले भी कोई कस्टमर उसको यूज कर सकता है और मैक्सिमम 30 डेज तक यूज कर सकता है, तो ऑन रिडेम्पशन और एक्सपायरी, यानी अगर कस्टमर 30 डेज से पहले उसे यूज कर लेता है तो तब हम उससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे, और अगर 30 डेज गुजर जाते हैं तो तब हम फिर उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा और हमारी कोई ऑब्लिगेशन बाकी नहीं बचेगी। तो इनिशियली जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे तो आप जब कस्टमर से ₹100 लेंगे तो 89 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे प्रोडक्ट ए का, और डिस्काउंट वाउचर के अगेंस्ट जो अमाउंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर जैसे जैसे डिस्काउंट वाउचर रिडीम होते जाएंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी से रेवेन्यू में ट्रांसफर करते जाएंगे, या फिर जब 30 डेज का टाइम गुजर जाता है तो फिर आप सारा जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, जो भी उसका बैलेंस है, उसको अब आप
रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.